ਤਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਆਈ ਐ ਸਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਕੋਡ ਬਾਏ ਪੁੱਲੀ ਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚਲੋ हम सब लोग आपको जैसे पता है कि दिन प्रतिदिन आपके माध्यम से सब बातें लोगों में रखी जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो बस सेवा है ये बड़ी देर से प्रयास चल रहा था। हमारी बहन किरण शर्मा जी, इन्होंने 2-2.5 साल पहले से ये प्रयास शुरू किया था और हम अपना नाम नहीं लेते, सब जितना भी प्रयास किया है इन्होंने ही किया है और इन्हीं के प्रयास से जो आज जो बस सेवा बड़ियाल ब्राह्मणा में शुरू हुई है जे इन्हीं के चलते इतनी दौड़ की है। जे इन्होंने एक दिन मेरे पास आकर के कहा था कि कोई दिक्कत आए, मैंने कहा दिक्कत आए तो तब हम आपके साथ 24 घंटे खड़े, लेकिन जितनी भी मेहनत की जहाँ गए जिन ऑफिसों में गए आज इन्हीं के प्रयास से। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीडरान ऐसे होते हैं कि जिनको पता भी नहीं होता है, वो गांव में होते हैं तो कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे कोई ट्रांसफार्मर अगर किसी ने भेज दिया तो वो ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर के फ़ोटो ऐसे लेते हैं सेल्फी और डाल देते हैं कि मैंने ये लगवाई है, तो उसको ये पता भी नहीं होता कि किसने ट्रांसफार्मर भेजा कहाँ से आया। उसी तरह से ये बस ऐसे कई लीडरों को पता भी नहीं था कि जब बस का प्रयास किसने किया किसने लगवाया, ये हमारा इसके इनॉग्रेशन करने का कोई नहीं था इतना मुद्दा, लेकिन बात ये बतानी पड़ी कि लोगों को ये तो पता चले कि जिसने लगवाई उसको पता भी नहीं है और जिसको पता भी नहीं था वो अपने फोटोग्राफ खींच करके सेल्फी लगा करके चढ़ा रहे हैं कि ये बात सेवा मैंने लगवाई है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, साफ पूरे बड़ियाल वासियों को, जो हमारी बहन किरण शर्मा जी ने इन्होंने पूरा प्रयास करके मेहनत करके बस लगवाई है। मैं लोगों की तरफ से, क्योंकि लोगों में बड़ी खुशहाली है, कल कोटली शाहदौला में भी और अर्जुन सिंह में भी इनका बड़ा जोर भरपूर स्वागत किया गया, उसके फोटोग्राफ भी आपको देते हैं हम, तो बढ़िया लोगों ने बड़े धूमधाम से इनका स्वागत किया। तो मैं भी अपने गांव के लोगों से, जितने भी लोगों को, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो सब की तरफ से इनका स्वागत करते हैं, इनका शुक्रिया करते हैं कि ऐसा होनहार गाँव में कोई भी जेंट्स हो या लेडीज़ हो इतनी मेहनत करे कि गांव को प्रोग्रेस मिल सके। उसके चलते मैं एक बार इनका सब लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।